समझता हूं कि कुछ अपने बारे में बात कर लिया जाए जो आरएसएस से लड़ने का दावा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत बात से इस बात की शुरुआत करूंगा। कल परसों एक डिबेट थी और उस डिबेट के संदर्भ में कुछ वामपंथी मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि तुम दुगला हो, यही भाषा थी उनकी, और तुम सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब करते हो। मैं सोचा कि आरएसएस के लोग गाली देते हैं, धमकी देते हैं, कहीं स्याही फेंक देते हैं, पत्थर चला देते हैं, कहीं बम भी फोड़ देते हैं, तो ये बात समझ में आती है। ये लेफ्ट के लोग और अंबेडकरवादी लोगों को क्या दिक्कत हो गई है हमसे। तो फिर यह बात समझ में आई कि वो ताकतवर नहीं है। असली बात यह है कि हम अपनी ताकत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि असमानता ढूंढ लेना बहुत आसान होता है। आप सब लोग अपने आप को देखिए, अपने बगल वाले इंसान को देखिए, आपको कोई समानता नहीं दिखाई देगी। कपड़े अलग होंगे, नैन नक्श अलग होगा, भाषा बोली रंग अलग अलग होगा, तो असमानता जो है वो मूर्त है, वो दिखाई देता है। इंसानियत, प्रेम, ये अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है, इसको ढूंढना पड़ता है। और समाज विज्ञान और विज्ञान का एक फर्क हम लोगों को समझाया जाता था कि विज्ञान की थ्योरी इसलिए समझ में नहीं आती है कि गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता है। धरती दिखाई देती है, सेब दिखाई देता है, गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता है। न्यूटन से पहले भी तो सेब गिरा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन जब सो रहा था तभी सेब पहली बार दुनिया में गिरा, लेकिन न्यूटन ने उसको देखा। वैज्ञानिक होने का हम दावा प्रस्तुत करते हैं, सच बात यह है कि हम लोग नहीं हैं। हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं है और सहमति और असहमति को हम भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो गाली आया था वो इस बात पे आया था कि तुमने स्टालिन मुर्दाबाद क्यों कहा। हमने कहा कि भाई डिस्कोर्स था और डिस्कोर्स में मुझे अपना एजेंडा लागू कराना था और वो बार बार अपने एजेंडे में मुझे फंसा रहा था, तो हमने ये बात कही। लेकिन अगर आपको स्टालिन जिंदाबाद कहना है, आप कहिए, आप बोलिए स्टालिन जिंदाबाद, आप कहिए गांधी मुर्दाबाद, आप कहिए अंबेडकर मुर्दाबाद। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि क्या ये बात हम दोनों को आरएसएस मुर्दाबाद कहने से रोकता है क्या? ये जो स्थिति है, इस स्थिति में मैं जब अभी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जिसको अभी आपने राक्षस कहा, वो एक्चुअली राक्षस नहीं है, हमारे अंदर के राक्षस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और हमारे अंदर का जो राक्षस है उसको जब तक हम नहीं मारेंगे, हमको लगता है कि उसको हम नहीं मार पाएंगे, और वो बार बार निकल करके आता है। इसीलिए हम संवेदना, प्रेम, एकता, इसको बिल्कुल समझ नहीं पाते। और अभी मैम जो बता रही थी कि स्टूडेंट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में उनको हरा दिया, मैम आपको बताता हूं कि उनको स्टूडेंट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसलिए हरा दिया कि वो ब्रैकेट का जो अंतर है ना हमारा, उसको भुला करके लोग एक साथ आ गए। मैं जेएनयू का एक उदाहरण आपको दे देता हूं कि जब मैं जेएनयू 2011 में ज्वाइन किया था, मुझे एक पुरानी स्टूडेंट यहां दिख रही है, तो उस वक्त एसएफआई का पूरा ताकत एबीवीपी के खिलाफ नहीं, आयशा के खिलाफ लगता था, और आयशा का पूरा वजूद जो था वो एसएफआई के चलते था। आयशा इसलिए जीत करके आया था क्योंकि जेएनयू में नंदीग्राम सिंगूर को सबसे बड़ा इशू बनाया गया था। और आज स्थिति यह है कि आयशा और एसएफआई मिलकर के चुनाव लड़ती है। बहुत कोशिश कर रहे थे कि एसएफ भी उसमें शामिल हो जाए, लेकिन क्या करें, सीपीएम क्या कह रहा है ये सीपीआई सुनता है, और सीपीआई क्या कह रहा है ये सीपीएम सुनता है। असल बात यह है कि इन दोनों की बात जनता नहीं सुन रही है। और ये बात मैं साफ साफ कर रहा हूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जिस समस्या को झेल रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम तमाम सहमति और असहमति के बावजूद एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच पाए, जिसको कहते हैं एक जो है सामान्य निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आपने कहा कि ये मुंबई कलेक्टिव है, ये एक लूज प्लेटफॉर्म है, अच्छा होता है, लूज चीज टूटता नहीं है और बहुत देर तक रहता है, जो ज्यादा कठोर होता है, जब हवा तेज होती है तो टूट जाता है,
साइंस में हम लोगों को ये सिखाता है। तो इस लूज में कोई भी जो है उस घेरे में आ सकता है और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा तो उससे निकल सकता है। इतना हम उसको टाइट बनाकर बना दें, इतना रेजिमेंटेड वो हो जाए कि सेक्रेटरी ने जो कह दिया तो कह दिया, यही रेजोल्यूशन है। इसके चलते क्या होता है कि आप सेक्रेटरी तो बन जाते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे कॉमन कंक्लूजन आपके साथ नहीं है तो फिर जो है आप कोई चीज को लागू नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत हो गई है, जब हम नेता को चुन लेते हैं तो फिर हम बैठ जाते हैं कि अब जाने सेक्रेटरी हमने चुन दिया है, वो भी बनना चाहता है, उसको हम बना दिए हैं, अब वो जाने कि पार्टी का विकास कैसे होगा, क्योंकि पार्टी तो पार्टी नहीं है, पार्टी तो उसको बेटी है जिसका ब्याह उसको किसी तरह से करना है।